नमस्कार, आदर्श विद्या मंदिर परिवार में आप सभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अभी हमारा जो सेक्शन से चल रहा है डायलॉग, शॉर्ट राइटिंग में दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है स्टोरी और दूसरा होता है हमारा डायलॉग। बालक को संवाद करना आना चाहिए, इससे उसकी ग्रामर स्ट्रांग होती है, बोलने की फ्लुएंसी बढ़ती है और एक हेजिटेशन जो होता है किसी दूसरे व्यक्ति से हम अंग्रेजी भाषा में बात करें तो हेजिटेशन हमारी दूर हो जाती है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रोजमर्रा जो हमारा जीवन है उसमें हमें अंग्रेजी शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आज के वातावरण में हम कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो हमारी बोलने की जो फ्लुएंसी है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है और अधिकतर जो संवाद हमारे होते हैं किसी भी ऑफिस में हो सकता है तो उन्हें हम कई बार बोलने में झिझकते हैं। अगर हमारी प्रैक्टिस की स्कूल स्तर से हो जाती है तो आगे जब हमारा जो जॉब का फील्ड होता है उसमें हम एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हम हमारे जॉब के प्रति एक अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में उभर करके सामने आएंगे। इसलिए ये विद्यालय एक ऐसा मंच है जहाँ पर बालक का ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है। बालक छोटी छोटी गतिविधियों को देख करके उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो वह निश्चित रूप से उसका सर्वांग विकास होगा। शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, आध्यात्मिक है और इन सब चीज़ों पर यदि आधार मान करके बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो निश्चित रूप से वह समाज के लिए और देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनेगा, ये निश्चित बात है। इसी से संबंधित आज हमारा जो विषय है डायलॉग है। आज का विषय है, एक युवक है जिसका नाम राहुल है और वह एक शोरूम में जाता है और पुरानी बाइक लेना चाहता है, सेकंड हैंड। तो उस व्यक्ति ने राहुल में और सेल्समैन में जो वार्तालाप होता है किस प्रकार प्रारंभ होता है इस बात को इस डायलॉग के अंदर लिखा गया है। देखिए साहब, जैसे ही राहुल उनके शोरूम में गया है तो सेल्समैन ने कहा गुड मॉर्निंग सर, तो राहुल ने जवाब दिया गुड मॉर्निंग। उसने कहा आई वांट टू बाय अ सेकंड हैंड मोटरसाइकिल, मुझे एक पुरानी मोटरसाइकिल चाहिए, प्लीज कृपया उपलब्ध है तो दिखा दें, प्लीज करते हैं ये रिक्वेस्ट है सेल्समैन। विच में, कौन से मॉडल में चाहिए, कौन सी चाहिए आप, वी हैव सो मैनी वे टू चूज फ्रॉम। उसने कहा हमारे पास यहाँ बहुत सी मोटरबाइक है तो आप उनमें से कौन सी लेना चाहेंगे आप देख सकते हैं। राहुल ने कहा एनी मैक विद कोई सा प्रोडक्ट हो सकता है, एनी विल डू, जो भी है आप दिखाना चाहें, बट आई नीड नाइस लुकिंग वन। राहुल ने कहा मुझे ऐसी बाइक चाहिए जिसकी लुकिंग ठीक हो, दिखने में सही होनी चाहिए। वेल अच्छा, यू कैन हैव बजाज पल्सर और एक्स्ट्रा। सेल्समैन ने कहा कि आपको बजाज मिल जाएगी, पल्सर गाड़ी मिल जाएगी, बजाज पल्सर आप देख सकते हैं अच्छी गाड़ी है, लुकिंग है और अन्य भी है, कई सिटी 100 भी है, प्लेटिना भी है, देश देश का मतलब उसने अन्य और बातें भी कही। राहुल, व्हाट अबाउट देयर एवरेज इन
इस गाड़ी के इन गाड़ियों के एवरेज के बारे में पता, कितने लीटर में एक लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी औसतन, तो उन्होंने टारगेट बताए हैं सेल्स वगैरह 40-50 किलोमीटर पर लीटर। उसने कहा एक लीटर में लगभग 40-50 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। राहुल, विच मॉडल डू यू हैव? राहुल ने कहा कि गाड़ी का कौन सा मॉडल है, अर्थात कौन सी सन की निकली हुई है, कितनी पुरानी गाड़ी है, 2016 है, 17 है, 18 है, 20 है, कौन से मॉडल की गाड़ियां हैं। तो उसने कहा 2018 बोली। उन्होंने कहा कि 2018 की गाड़ी है मेरे पास, अधिकतर गाड़ियां 18 की हैं। वी डोंट सेल वेरी ओल्ड बाइक्स। उसने कहा कि ज़्यादा जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं, उनको हम नहीं बेचते हैं। राहुल, आई वुड लाइक टू सी। राहुल ने कहा मैं उसे देखना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू सी, मैं उसे देखना चाहता हूँ एंड ट्राई दैट फर्स्ट, और मैं एक बार देख करके उसमें मैं ट्रायल लेना चाहता हूँ, चला के देखना चाहता हूँ, ट्रायल लेना चाहता हूँ। सेल्समैन ने कहा वो सर निश्चित। अब राहुल ने उसकी ट्राई ली है और लेने की बात क्या कहता है। ओके अच्छा, आई मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलता हूँ। सेल्समैन कहता है वेलकम, स्वागत है आपका। ओके अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। इस प्रकार हमारे ये संवाद चलते हैं। तो हम एक फ्रीक्वेंसी में बात कर सकते हैं, इसके लिए संवाद का विकल्प यहाँ निकाला गया है। और इससे जो हम अंग्रेजी भाषा है उसको जो बोलते हैं, उच्चारण है, उसका बहुत कुछ सुधार इसमें हो जाता है। इसी पद्धति में हम कक्षा में भी कई बार कक्षा के दो ग्रुप करते हैं और उनमें हम डायलॉग सिस्टम करते हैं, तो बालक अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और धीरे धीरे उनमें निपुणता भी आती है। धन्यवाद।